नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जीआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्जाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो प्रिय साथियों, ये पार्ट नंबर 27 है। इससे पहले 26 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर ये 26 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बनकर आता है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? तो मित्रों, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम लगाई गई थी उदयपुर राज्य के द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो मित्रों, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रचना के लिए वर्ष 1976 में कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? 1976, ये डेट ये ध्यान रखना है सन। मित्रों, 1976 में कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार लिल्टास के लिए दिया गया था। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1941 में प्रकाशित वन फूल नामक पुस्तक किनकी हिंदी की प्रथम पुस्तक थी? तो मित्रों, वन फूल ये जो पुस्तक है 1941 में प्रकाशित हुई और ये हिंदी की प्रथम पुस्तक थी कन्हैयालाल सेठिया की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, दौसा नगर किस पहाड़ी की तलाटी में बसा हुआ है? बताइए दोस्तों, दौसा नगर किस पहाड़ी की तलाटी में बसा हुआ है? तो याद रखना, देवागिरी पहाड़ी की तलाटी में बसा हुआ है। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसका सी ऑप्शन राइट है। जैसलमेर और बाड़मेर इन दो जिलों में यह फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है? तो मित्रों, सुनहरी कोठी ये क्वेश्चन प्री बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना टोंक जिले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, टोंक में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, टोंक जो जिला है यहां पर शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी मित्रों हीरालाल शास्त्री ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों, आज का टारगेट है 100 लाइक का। ये वीडियो चलता है तब तक आपको 100 लाइक जरूर करनी है। मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। चलिए नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? नवाबों का शहर टोंक, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव नया गांव किस जिले में स्थित है? बताइए मित्रों, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव नया गांव ये है मित्रों जयपुर जिले में। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने कितने वर्ष में पहली रणजी ट्रॉफी जीती? बताइए मित्रों, राजस्थान ने पहली रणजी ट्रॉफी जीती थी 70 वर्ष के पश्चात। इसका ऑप्शन ए राइट है, 70 वर्ष के पश्चात। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय यह स्थापित किया गया है मित्रों जयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुख्य कौन होता है? बताइए मित्रों, राज्य प्रशासन में अगर बात करें मंत्रिमंडल का मुख्य तो होता है मित्रों मुख्यमंत्री, और प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बताइए मित्रों, संभाग राजस्थान में टोटल संभाग है 7 और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? नायब तहसीलदार मित्रों
तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। बताइए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान बालुका स्तूप में अपरदन और स्थानांतरण सर्वाधिक होता है? तो मित्रों ये होता है सर्वाधिक मार्च से जुलाई के मध्य। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ध्यान देना, बालुका स्तूप में अपरदन और स्थानांतरण सर्वाधिक होता है मार्च से जुलाई के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। बताइए मित्रों, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है मित्रों समगाम जैसलमेर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है, समगाम जैसलमेर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम लगाई गई थी मित्रों बूंदी राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? बूंदी राज्य के द्वारा। इसका ऑप्शन ए राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यह ध्यान रखना है, सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम बूंदी राज्य के द्वारा लगाई गई थी। मित्रों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां स्थित है? राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है मित्रों अकलगाम जैसलमेर में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण तथा पद्म श्री से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। प्रीबीएसटीसी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, पद्म भूषण तथा पद्म श्री से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी श्रीमती रतन शास्त्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी? बताइए मित्रों, विधवा विवाह पर रोक सर्वप्रथम लगाई गई थी मित्रों जयपुर राज्य के द्वारा रोक। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह कानून कब बना था? बताइए दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह कानून बना था मित्रों 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंदा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? बताइए दोस्तों, सुंदा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है चामुंडा माता का। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेची माता। कौन? नागनेची माता। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की जन्मभूमि पोकरण एवं क्रम भूमि ब्यावर रही है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनकी जन्मभूमि पोकरण और क्रम भूमि ब्यावर रही है, उनका नाम है सेठ दामोदर दास राठी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सन 1889 ईस्वी में किसने की थी? बताइए दोस्तों, ब्यावर अजमेर नामक स्थान पर कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में और यह स्थापना की थी सेठ दामोदर दास राठी ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? बताइए दोस्तों, घेर नृत्य किया जाता है मित्रों होली के त्यौहार पर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है, होली के त्यौहार पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइए दोस्तों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो खातोली के युद्ध में पराजित किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहां स्थित है? तो मित्रों जयसमंद झील स्थित है उदयपुर में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील पर स्थित सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? तो मित्रों सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, यह आपको ध्यान रखना है, और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, तो याद रखें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि जयसमंद झील पर स्थित सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, तो याद रखना प्यारी है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? बताइए दोस्तों, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम सचिव होता है मित्रों, ग्राम सेवक जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है? सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है तो केशोराय पाटन में स्थित है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, दौसा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? दौसा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है तो यह बूंदी से नहीं लगती है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में कहते हैं मित्रों मावट। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आने वाले एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि ये 100 का टारगेट है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसे जरूर कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मावट किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो मित्रों मावट होती है रबी की फसल के लिए लाभदायक, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी है? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय, कैसी है? विषमकोणीय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है? राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है मित्रों झालावाड़, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है? तो याद रखा झालावाड़। स्थान की बात करें तो माउंट आबू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना जरूरी है। चलिए 40वां क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय मित्रों कोटा में, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? राज्य की दक्षिणी सीमा पर मित्रों गुजरात राज्य स्थित है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। गुजरात राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर सीमा लगती है गुजरात की, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या मित्रों मीणा जनजाति की, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे लंबी नदी है? राज्य की सबसे लंबी नदी है मित्रों चंबल नदी, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। प्रिय मित्रों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। आपको 100 का टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालवी बोली कहां कहां बोली जाती है? बताइए मित्रों, मालवी बोली कहां कहां बोली जाती है? तो यह बोली जाती है मित्रों झालावाड़ कोटा व प्रतापगढ़ में, इसका ऑप्शन ए राइट है। मालवी बोली झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो मित्रों खुमान रासो इस ग्रंथ की रचना की थी दलपत विजय ने, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है? तो मित्रों चंद्रवरदा ये राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है, इसका ऑप्शन सी राइट है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल के है चंद्रवरदा, इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रंगे राघव विजयदान देथा नारायण सिंह भाटी ये आधुनिक साहित्यकार है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? स्थापत्य कला का संरक्षक या जनक कहा जाता है राणा कुंभा को, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? बताइए दोस्तों, किस लोक नृत्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो आपको याद रखना है रम्मत से, इसका बी ऑप्शन राइट है। रम्मत लोक नृत्य की प्रस्तुति के समय यह होता है मित्रों, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा यह प्रारंभ किया था वासुदेव भट्ट ने, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है।
तो चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित रस्म है। बताइए मित्रों, विवाह से संबंधित रस्म है। तो मित्रों, पैरावणी, कांकर डोडा, बरी पड़ला, ये तीनों रस्में विवाह से संबंधित है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, समस्त वर्णित विकल्प। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलिए बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, थार का गढ़ा किसका उपनाम है। थार का गढ़ा चांदन नलकूप का उपनाम है। इसका बी ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं, क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कतरिया सर बीकानेर में है। ऑप्शन आपके सामने है, जाम्बोजी, हरिदास जी, संतदास जी, जसनाथ जी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।